मथुरा के थाना जमुनापाड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला द्वारा स्मैक बेचने पर स्थानीय निवासियों ने हंगामा किया और सोमवार को स्मैक बेचने वाली महिला के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चले गए। लेकिन स्मैक बेचने वाली महिला इन सभी लोगों से पहले थाने में पहुंच गई और महिला ने स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों में से 3 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। लोगों को जेल भेजे जाने पर स्थानीय लोग भड़क उठे और थाने पर आकर हंगामा काटने लगे। स्मैक बेचने वाली महिला को गिरफ्तार न करने पर स्थानीय लोगों ने थाने पर जाकर हंगामा काटा। इस खबर को सुनकर विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा थाना जमुनापार पहुंच गए, जहां लोगों को उन्होंने समझा बुझाकर घर भेजा और निर्दोष लोगों की सिफारिश की और स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि निर्दोष लोगों को जल्द ही छुड़ाया जाएगा। आज थाने पे इस वजह से आना पड़ा, कल रात 11-12 बजे के लगभग घटना हुई थी सिद्धार्थ नगर, जो कि जमुनापार थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पर कुछ ऐसी सूचना मिली थी, हमारे हिंदू भाइयों के संग कुछ मुसलमान लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, उसके संदर्भ में मुझे थाना आना पड़ा। और सुबह इस मामले में मेरी कप्तान साहब से भी बात हुई, SPCT साहब से भी बात हुई, CO साहब से भी बात हुई और SO साहब से भी बात हुई। जब मैं थाने आके मैंने जानकारी करी तो ये सारे लोग बहुत पीड़ित हैं और इनके अनुसार जो इन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पर उन लोगों ने फायरिंग भी करी थी और असले भी निकाल लिए थे उनको मारने के लिए। लेकिन 100 नंबर की पुलिस जब पहुँच गई तो कुछ मामला वहाँ पर शांत हो गया। शांत होने के बाद 3 हमारे हिंदू भाइयों को थाने पुलिस ले आई और 6 मोमडन को पुलिस ले आई, उसके संदर्भ में सबका 151 में चालान कर दिया गया है और वो SDM के यहाँ से जमानत कराने गए हैं। इस प्रकार की घटनाएँ हमारे क्षेत्र में हो रही हैं और उस महिला के बारे में जानकारी करी तो काफ़ी करप्ट महिला है वो, जो कि कुछ नशीले पदार्थों को भी बिक्री करती है और कुछ चारित्रिक रूप से भी उसका जो संज्ञान में आया है कि चारित्रिक रूप से भी ठीक नहीं है, जिससे कि आसपास का पूरा माहौल खराब हो रहा है। जब ग्रामीण थाने पर इकट्ठे होकर आए हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? ये सब ग्रामीण थाने पर इकट्ठे होकर आए, ये केवल SO साहब से इस चीज़ की गुहार लगाने आए कि हमको न्याय दीजिए और उस महिला को उस क्षेत्र से कहीं अलग भेजें, ताकि इनका जो मोहल्ला या जो इनका क्षेत्र है वो स्वच्छ बना रहे। मथुरा शहर का एकमात्र ऐसा सैलून जहां एक ही छत के नीचे महिलाओं व पुरुषों को वातानुकूलित वातावरण में बॉडी ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर कट, मसाज, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप आदि जैसे ट्रीटमेंट वाजिब दामों पर दिए जाते हैं, तो फिर देर किस बात की, कृष्णा नगर के बॉलीवुड स्टाइल यूनिसेक्स सैलून में जरूर पधारें और सेवाओं का लुफ्त उठाएं।